अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। कौन सी जेल में की गई है फिल्म की शूटिंग? एक्टर्स ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है, और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी, और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा सिंह। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो, और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।